गुड इवनिंग, माय नेम इज मनोज अग्रवाल फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी। हमने 2018 से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है। 2021 में मैंने पास आउट कर चुका हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं बजाज ऑटो लिमिटेड औरंगाबाद में जॉब कर रहा हूँ अप्रेंटिस के तौर पर, NATS के थ्रू। फ्रेंड्स, मेरी जर्नी बहुत ही रुकावटें भरी रही और मैंने 12th में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया मार्कशीट के अनुसार, 76% स्कोर कर पाया। इसके बाद मेरे गांव के एक बड़े भाई थे, वो जब हम 10th में थे तो वो डिप्लोमा मतलब ये पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस निकाले थे, जो कि वहाँ से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिला और ये भी सोचने लगे कि सरकारी वैकेंसी, रेलवे और सब सारी वैकेंसी मैकेनिकल के थ्रू आती रहती हैं हमेशा, जो कि 2 या 3-4 साल के अंतराल पे आती रहती हैं। वहाँ से मोटिवेशन मिला और हमने पॉलिटेक्निक करने की सोच ली। इसके बाद 12th करने के बाद हमने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में मेरा 200 के करीब नंबर आया था और रैंक भी करीब 10,000 के नीचे ही थी, जो कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर मिला। इसके बाद मैंने एडमिशन कराया, फिर जर्नी चलती रही। फर्स्ट ईयर में मेरा परसेंटेज 80% के आसपास रहा। इसके बाद फिर सेकेंड ईयर हुआ, सेकेंड ईयर में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हमको फेस करना पड़ा। फिर कोविड भी आया, हम लोग मतलब कॉलेज ज़्यादा नहीं आ पाते थे, सेल्फ स्टडी करना पड़ता था। पेपर देने के बाद यहाँ के सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्लेसमेंट ऑफिसर के थ्रू एक लिंक आए थे कैंपस के, बजाज ऑटो में उन्होंने पूरे ग्रुप में प्रोवाइड किया था, जो कि कई बच्चे ने फिल किया था। इसके बाद उस लिंक में अपना पूरा डिटेल्स, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना एजुकेशन है, क्या कैसे, सब कुछ फिल करना था, रिज्यूम पूरा। इसके बाद उसने हम लोगों का टेस्ट लिया था मोबाइल के थ्रू ही, और इंटरव्यू होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, वो ओनली डिस्कशन हुआ था ग्रुप में। वहाँ से हम लोगों को लोकेशन अलाट हुआ कि तुमको औरंगाबाद करना है, यूपी मतलब अदर स्टेट वालों को। इसके बाद जो पंतनगर अप्लाई किए थे उन लोगों का यह मतलब क्या था कि उन लोगों को जहाँ यूके के डोमिसाइल जिसका था, उन्हीं लोगों को यूके की मतलब उत्तराखंड का लोकेशन जॉब करने के लिए मिलता हो, अदर स्टेट को वो महाराष्ट्र ही भेज दिए। इसके बाद हम लोग का जब रिजल्ट आया, इसके बाद ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद हम लोग वहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में चले गए। इसके बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, इसके बाद सब कुछ हुआ, फिर वहाँ ट्रेनिंग हुआ 4 दिन बाद। इसके बाद हम लोगों को डिपार्टमेंट मिल गया और मतलब हमारे साथ के हमारे कॉलेज के 15-20 बच्चे गए थे, मतलब सभी लोगों का वहाँ सिलेक्शन हो गया अच्छे से और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट अलाट हुआ वहाँ पे HRD के थ्रू। कंपनी में मतलब 4 दिन तो सबसे पहले बहुत अच्छे से वहाँ हम लोगों को हॉस्टल मिला। हॉस्टल मिलने के बाद फिर 5वें दिन हम लोगों को डिपार्टमेंट मिला कि किसी को प्रोडक्शन, किसी को क्वालिटी, किसी को MCD, किसी को ऑटो थ्री व्हीलर, कॉम्पैक्ट, मैक्सिमा, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट मिले। सब अपने अपने डिपार्टमेंट में मतलब काम पे लग गए सीखने के लिए। बजाज ऑटो में बेसिकली 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर बनते हैं। बजाज ऑटो में जैसे 2-व्हीलर में पल्सर, प्लेटिना और क्या बोलते हैं KTM, उसके बाद फिर 3-व्हीलर में मैक्सिमा जैसे बजाज के आते हैं कई, उनका क्या बोलते हैं मॉडल रहता है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में बजाज ने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर और 3-व्हीलर भी लॉन्च कर दिया है, और इसके बाद 4-व्हीलर में क्विड गाड़ी बनाती है, ये सब बजाज बनाती है। डिपार्टमेंट मिलने के बाद सब अपने अपने डिपार्टमेंट में डेली मतलब सीखने के लिए जाते थे। कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे? वहाँ पे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी, मेंटेनेंस, मतलब HRD में भी मतलब जो बच्चे जैसे AutoCAD या CCC, ADC वगैरह जैसे कंप्यूटर में जिसको नॉलेज होता है बेसिकली अच्छे रूप से, उनको HRD में भी जॉब मिल जाता। फुल AC में मतलब उनको HRD के थ्रू पूरा काम करना पड़ता, 8 घंटे का काम रहता है, बट वहाँ मतलब 2 बार टी ब्रेक होता है, फिर खाने के लंच टाइम भी होता है, इसके बाद बस से आओ, बस से जाओ, यही सब सुविधाएँ वहाँ। मतलब ना तो ज़्यादा हार्डवर्क करना है और ना ही मतलब क्या है कि
ज़्यादा रिस्क काम है। वहाँ पे रूम रेंट कितने का मिल जाता है बेसिकली? रूम रेंट मुंबई में मतलब 4,000 के अबव भी मिलता है लगभग। वो वहाँ रूम रेंट बहुत महंगा है यूपी की तुलना में, 2 से 2.5 गुना महंगा है। आपकी पेमेंट कितना हुई थी, कैसे पेमेंट कैसे मिलती है? पेमेंट मतलब वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो मतलब वहाँ पे पासबुक मतलब देना पड़ता है चार्टर में। चार्टर में पासबुक देने के बाद वो अपने जो उनका एक क्या बोलते हैं अकाउंट होता है प्लेटफॉर्म बिजनेस का, उसमें ऐड कर देते हैं। जितना जिसका स्टाइपेंड रहता है उसके अकाउंट उतना मंथली वाइज पेड कर देते हैं। तो कितना सैलरी आपको मिलती थी वहाँ पे अपने डील के दौरान? 11,500 मिलती थी, और उसमें से मतलब 85 रुपये मतलब क्या बोलते हैं कि कट के आते थे, जिससे कि 30 रुपये बस के लिए और 55 रुपये ब्रेकफास्ट और लंच के लिए करते थे। तो मतलब एक महीने का आप पेमेंट करता था कि पर डे का, मतलब कि 85? नहीं, एक महीने का ओनली। एक महीने मतलब एक महीने में आपको 85 रुपये कटाने पर आपको कंपनी में भोजन टी सब कुछ मिलेगा, मात्र 85 सब कुछ, यानी कि 85 रुपये में एक महीने मतलब लंच मिलेगा, खाना मिलेगा, इसके बाद टी मिलेगा, सब कुछ, बस की सुविधा भी मिलेगी, पहुँचाएगी रूम से लाकर छोड़ देगी डेली। और संडे को वहाँ ऑफ रहता है। कभी कभी क्या है कि जैसे प्रोडक्शन काम है तो सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। उसका पैसा मिलता है आपको? हाँ, डेली मिलेगा, कंपनी के थ्रू ऑफ रहता है तो उसका पैसा कंपनी पेड करती है। तो आप दर्शकों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, डिप्लोमा करने के बाद कंपनी जब प्लेसमेंट होता है कॉलेज से तो वहाँ जाएं कि अपनी जॉब की प्रिपरेशन करें, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? जैसे जो अच्छे बच्चे हैं, जो क्रीम बच्चे हैं, अगर जैसे उनको तैयारी करना है, वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। वैसे हम ये सोचते हैं कि अगर जो अच्छे क्रीम बच्चे हों बीटेक करके या कहीं अच्छी जॉब करें या प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आज के समय में मतलब वैकेंसी 2-3 साल से नहीं आ रही है। इससे अच्छा ये रहेगा तो प्राइवेट जॉब कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ तैयारी करते रहें अपनी, मतलब 3-4 घंटे मिल जाते हैं, जैसे 8 घंटे जॉब करने के बाद 3 घंटे बेसिकली आराम से मिल जाते हैं। मतलब ऐसे कंपनी चूज करें जहाँ ना तो ज़्यादा हार्ड वर्क हो, मतलब काम करना पड़ेगा हर एक कंपनी में, तभी तो पैसा मिलेगा, बिना काम पर कोई पैसा नहीं मिलेगा हर एक कंपनी चाहे जहाँ भी हो। तो मतलब ऐसा काम करें मतलब ना तो ज़्यादा माइंड उसमें स्पेंड हो, क्या कि मतलब ना तो बॉडी ज़्यादा थकान हो, तो ऐसा काम चूज करें, वहाँ तैयारी भी हो जाती है, 2-3 घंटे बच्चे बहुत पढ़ते हैं। और बाजार में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है जो अच्छी पोस्ट के लिए, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका टाइमिंग पीरियड क्या था जॉब के समय, कितने बजे आप जाते थे, कितने बजे आते थे, कैसे क्या? बाजार ओनली 2 ही शिफ्ट चलाती है, जैसे सुबह 6:30 बजे से शाम दूसरी मीटिंग 3:20 तक ही एक शिफ्ट चलती है, इसके बाद 3:30 बजे से 12:25 तक एक शिफ्ट, ओनली 2 ही शिफ्ट चलती है बाजार में। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है तो 3 शिफ्ट चलती होगी, जो वहाँ के मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग काका लोग हैं वही आते हैं 3 शिफ्ट में। जो ट्रेनी डिप्लोमा के आईटीआई वाले बच्चे वहाँ जाते हैं उनको बेसिकली 1st शिफ्ट या 2nd शिफ्ट में ही वो जॉब करते हैं, उनको वही अलाट। मतलब एक 1st शिफ्ट मतलब कितने से कितने रहती है, 2nd शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? 1st शिफ्ट सर ए शिफ्ट में 6:30 बजे से शाम 3:20 तक, मतलब 2nd मीटिंग 3:20 तक रहता है, और 2nd शिफ्ट 3:30 बजे से 12:25 तक रात को रहता है। तो चलिए, तो धन्यवाद आपका।